सो गाइस पोकेमोन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल था और टाइटल था कि आज के इस वीडियो हम सब बात करने वाले जनरेशन फर्स्ट से लेकर एट तक के टॉप 5 स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन के बारे में, यानी कैंटो रीजन से लेकर के गेला रीजन के टॉप 5 स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन, यानी सब आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो बता दूँ कि स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन की एवोल्यूशन स्ट्रेंथ जो कि 3 पोकेमोन एवोल्यूशन पे होती है, इसके अलावा इनके जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं वो 600 होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होते हैं और ये लेजेंडरी के हकदार होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पाता। और इसके अलावा हर टीम में एक तो एक स्विट्जरलैंडरी होना जरूरी है और हम सब ने अब जब भी पोकेमोन के गेम्स खेले आपने डेफिनेटली पकड़ा होगा। और इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी आपके सामने नजर आ रही होगी, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर लीजिए बिकॉज हम वीडियो अपलोड करने से पहले आप वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक डेफिनेटली कर दीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर नहीं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाला बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और लेस देन एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दिस लिस्ट में नंबर 5 पे जो सुडो लेजेंडरी पोकेमोन आता है वो है टायरेंटार। टायरेंटार एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन है और इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। और ये एक रॉक एंड डार्क टाइप का पोकेमोन है जो कि मेगा एवल्व हो सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन है हम सब पोके फैंस के बीच में। और इसके अलावा इसकी पावर तो आप सभी जानते ही होंगे और क्या पावर है इसकी हम सब जानते ही हैं। और इसके अलावा हमें ये बहुत से पोकेमोन ट्रेनर के पास दिखा है। और इसके अगर एवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लार्वीटार से प्यूपिटार और फिर लेवल 55 पर टायरेंटार में इवॉल्व होता है। और हम सबको पता है स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा लेट इवॉल्व होते हैं बट अगर थर्ड स्टेज तक पहुँच जाए तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। और अगर इसकी स्टेट्स की बात करें तो ये इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डिफेंस भी, बस इसकी स्पीड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और इसके अलावा इसके मेगा फॉर्म की बात करें तो स्पीड कुछ सुधर जाती है लेकिन इसका स्पेशल डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और अटैक भी तो पहले ताकतवर ही था। और इसके अलावा अब तो कुछ लीक सामने निकल के आ रही है कि टायरेंटार को एस केचम कैच करेगा। इसके अलावा नंबर 5th पे अगर कुछ हॉनरेबल मेंशन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रेगन, गुड्रा और गैलारियन ड्रैगन पल्ट का नाम सामने निकल के आ रहा है। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है लेकिन टायरेंटार के मेगा एवल्व फॉर्म के कारण ये इस रैंक पे आता है। इसके अलावा कुछ लीक्स की और कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो हम सबको ये भी लीक सामने निकल के आ रहे हैं गैलार में टायरेंटार को एस केचम कैच करने वाला है। और इसके अलावा नंबर 4th पे जो पोकेमोन आता है ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है कैंटो रीजन का, जिसको कि हमने जनरेशन फर्स्ट में देखा था। और इसके अलावा इसके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूव्स है और ये अपने टाइप जो कि ड्रैगन एंड फ्लाई है उससे ऑपोजिट के भी मूव सीख सकता है। इसके अलावा अगर इसकी एवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये डर्टिन से ड्रैगन ईयर और फिर लेवल 55 पे ड्रैगनाइट पे इवॉल्व हो जाता है। और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन है और इसकी इसी पावरफुल के नाश इसी कारण उसके बेस्ट ट्रेट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इक्वल है और इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी स्पीड भी एकदम एवरेज है। और इसके अलावा अब तो हमारे एस केचम ने भी इसको कैच कर लिया है और जब कैंटो रीजन से हम चाह रहे थे कि इसको एस केचम कैच करे लेकिन इसको नहीं कर पाए और हम सब 7 सीजन के बाद यही सोच रहे थे तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब एस केचम ने गेला रीजन में ड्रैगनाइट को पकड़ लिया और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है हम सब पोके फैंस के लिए। और इसके अलावा नंबर 3rd पे जो पोकेमोन आता है वो है मेटाग्रॉस। मेटाग्रॉस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइटिक एंड स्टील टाइप का पोकेमोन है जिसको कि हमने बहुत ही बार बहुत से ट्रेनर्स के पास देखा है और साथ ही हमने इसको गेम्स में भी बहुत बार यूज़ किया है। इसके अलावा इसकी इसी पावरफुलनेस के कारण ये स्विट्जरलैंडरी पोकेमोन है और ये सबसे पहले बेल्डम से 20 लेवल पर मेटेंग और उसके बाद लेवल 45 पे मेटाग्रॉस में इवॉल्व होता है। और इसके अलावा इसकी पावर मेगा एवोल्यूशन में और भी ज़्यादा यानी 700 पे पहुंच जाती है। और इसके स्टेट्स की बात करें तो इसका अटैक एंड डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ इसकी स्पीड भी बहुत कम है लेकिन इसके एकदम एवल लेवल के स्टेट्स है। इसके अलावा मेगा एवोल्व होने पे इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और इसको हमने स्टीवन स्टोन के पास जो कि एक चैंपियन ट्रेनर है उसके पास भी देखा है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है वह सेलामेंस। सेलामेंस मेरे फेवरेट पोकेमोन में एक है। इसके अलावा ये ड्रैगन एंड फ्लाई टाइप का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, साथ ही ये मेगा एवोल्व भी हो सकता है और इसकी पावर हमने एनिमे और साथ ही गेम्स में बहुत ही ज़्यादा बार देखी है। और इसके अलावा इसी पावरफुलनेस के कारण ये इस रैंक में नंबर 2 पे आता है। और ये जनरेशन 3rd का पोकेमोन है और ये सबसे पहले बेगोन से सेलगोन उसके बाद लेवल 50 पे सेलेमेंस में इवॉल्व होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और इसके स्टेट्स की बात करें तो इसके सब कुछ लेवल है, इसकी सिर्फ स्पेशल डिफेंस कम है। इसके अलावा डिफेंस और स्पेशल डिफेंस के अलावा इसका अटैक और
स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्पीड के बारे में तो क्या कहने। और इसके अलावा नंबर फर्स्ट पे जो पोकेमोन आता है यानी टॉप है वो है गार्चोप, और गार्चोप के कौन दीवाने नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है जो कि जनरेशन फोर्थ का पोकेमोन है, और हम सब ने इसको सिंथिया के पास तो देखा ही है। और इसके अलावा हम सब ने इसमें गेम्स में भी यूज़ किया है, और इसके अलावा हमने प्रोफेसर के पास भी इस पोकेमोन को देखा ही है। और इसके अलावा इस पोकेमोन में हम सबको पता है कि ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जो सबसे पहले गिबल और उसके बाद गेबाइट और उसके बाद लेवल 48 पे गार्चोम्ब इवॉल्व होता है, और उसके बाद ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, और इसके बाद इसके स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इसके अलावा हम सब ने इसके मेगा इवॉल्व फॉर्म को भी एनिमे में देखा है, और इसके नॉर्मल फॉर्म की एकदम लेवल है, उसका स्पेशल अटैक और अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही स्पीड भी। और इसके अलावा मेगा इवॉल्यूशन फॉर्म में इसकी स्पीड और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ये खुद पावरफुल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए ये नंबर फर्स्ट पे है गार्चोम्ब, और साथ ही इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा यही वो पाँच पोकेमोन है जिनको हमने इसमें रैंक किया। इसके अलावा अगर आपका फेवरेट पोकेमोन इस रिंक में नहीं आया है तो बिल्कुल भी अफेंड ना हो, और अपना कमेंट डाउन में भी अपना फेवरेट पोकेमोन का नाम लिख लीजिए। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली आपके फेवरेट पोकेमोन का नाम भी लेंगे। इसके अलावा अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक डेफिनेटली कर लीजिए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकॉन दबा लीजिए। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, पोकेस्वॉर्ड साइनिंग आउट।